सो गाइज आज है भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन और मेरा भी मन था कि मैं मंदिर जाऊं किसी भी, तो मैंने सोचा कि किसी ऐसे मंदिर चलते हैं जहां पर कि कम भीड़ हो, क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन करने थे ना कि खाली मंदिर घूमने जाना था। तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि मुझे ऐसे मंदिर लेके चल जहां पर कि भीड़ कम हो, तो वो मुझे इस मंदिर में लेके आई। मुझे नहीं पता था कि ये मंदिर इतना सुंदर होगा यार। राम राम जी गाइस, तो फाइनली मैं जा रही हूँ रेडी होके, इतना सज धज के सोचो कहाँ जा रही होंगी, तो मैं जा रही हूँ आज मंदिर। मेरा इतना दिल कर रहा था ना, आज मैंने व्रत भी रखा बहुत टाइम के बाद मैंने, मतलब एक जो भी कुछ जिंदगी में हुआ उसके बाद ना भगवान से जो भरोसा होता है ना वो उठ गया था। दिल में आस्था जरूर थी, मानती थी दिल से, लेकिन व्रत रखने छोड़ दिए थे, पूजा करनी छोड़ दी थी मेरे। आप यकीन नहीं मानना कि मेरे मंदिर, मेरे रूम में भगवान का एक फ़ोटो तक नहीं है, और मैंने भी अभी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आज व्रत रही हूँ तो मैंने भगवान का फ़ोटो भी लिया है, नहीं मैंने नहीं लिया, दिल से मानती हूँ। पर हाँ, नाराज़गी है और वो पता नहीं कब ख़त्म होगी, लेकिन धीरे धीरे चाहती हूँ कि वो नाराज़गी अब ख़त्म कर दूँ भगवान से। कि तो फाइनली आज हम मंदिर आ गए हैं। मैंने श्वेता को बोला था कि किसी ऐसे मंदिर लेके चल जहाँ पर कि मैं भगवान के दर्शन कर सकूँ, तो मुझे इस मंदिर में लेके आई जिसका नाम था उत्तरा गुरुवायूरप्पन टेम्पल। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, हमने स्लीपर उतारे और यहाँ पर जैसे ही हमने एंट्री की और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हम लोग लाइन में लग गए अपने वेट के कर रहे थे, और हमने यहाँ पर फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए। तो हमने श्वेता को बोला कि तू जाके लाइन में लग, और मैं और नेहा फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे भगवान जी के। और मेरा इतना दिल कर रहा था बस मैं भगवान जी को देखती रहूँ। जब भी मंदिर जाती हूँ मेरे जो बड़ा सुकून मिलने लगा है यार, बहुत अच्छा लगता है कि भगवान में अपना आस्था रखना, भगवान को मतलब पता नहीं यार, कोई भी फेस्टिवल होता है मुझे उसको इतना ज़्यादा दिल से मनाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि अभी मनाने लगी हूँ, मैं पहले से ही मतलब अपने मायके में थी तब भी और अपने ससुराल में थी तब भी मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत खुशी मिलती है अच्छे से मनाना सजाना करना। मैं चाहती थी मेरी दो चार देवरानियाँ जेठानियाँ हों, उनके साथ मिलके मैं कोई भी फेस्टिवल हो सेलिब्रेट करें, कोई कुछ काम कर रहा है कोई कुछ कर रहा है ऐसे, मतलब मैं तो ऐसे आजकल लड़कियाँ सोचती हैं कि बस पति हो और कोई नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी अलग हूँ, पता नहीं मैं ऐसा सोचती थी, पर मिला कुछ भी नहीं और अब तो कुछ भी नहीं है, जो था वो भी नहीं है। खैर छोड़ते हो सबको, कंसंट्रेट करते हैं भगवान पर। तो मैं दिए जला रही थी, एक्चुअली पता है क्या हुआ था, यहाँ पे सब लोग दिए जला रहे थे और हमें दिया ही नहीं मिल रहा था, और हमें नहीं पता था कि ऐसा यहाँ पर हम लोगों को दिया जलाने का मौका भी मिलेगा। पता है शाम को जब हम पहुँचे थे तो इसमें बाती और जो घी डालना स्टार्ट हो गया था, जो भी यहाँ के पंडित हैं सब लोग इसमें डाल रहे थे घी और दिए, जब हम लोग लाइन में लगे हुए थे। यहाँ पर आके आप अपने जितने चाहे वीडियोस शूट करा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अंदर भगवान के फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। वैसे अच्छा भी है कि भगवान की श्रद्धा है, क्योंकि फिर लोग ना फोटोज़ में लग जाएंगे भगवान के खींचने में, भगवान को देखने में किसी का भी ध्यान नहीं रहेगा। मैंने भी भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्यार से निहारा यार काफ़ी टाइम के बाद, और मैं श्वेता यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। हमने काफ़ी सारे दिए जलाए और मुझे वो नहीं मिल रहा था दिया, मैं भाग के गई। दो लड़कियाँ थी, दो दोस्त थी, और वो उनके पास दो दिए थे, मैंने बोला आप दोनों एक दिया यूज़ कर लो, एक दिया मुझे दे दो प्लीज़, तो उन्होंने मुझे दिया दे दिया। फिर उससे मैंने बहुत सारे दिए जलाए, फिर हमने कुछ दिए जलाए, फिर और भी लोग थे तो हमने उनको भी मौका दिया कि अब आप लोग ले लो, आप लोग जला लो, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए भगवान की पूजा करने का। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार, क्या ही बताऊँ मैं आप सबको, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे नेहा और श्वेता वो वीडियोस क्लिक कर रहे थे और मैं उन दोनों को दिखा रही हूँ। और ये गाइस पता है जो मंदिर के साइड में आप दिए देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि एक साइड में ही लगे हुए हैं, ये मंदिर के चारों तरफ ऐसे ही दिए जले हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है यार ये मंदिर। मैं आपको उधर की साइड से इसीलिए नहीं दिखा रही क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी और शाम के टाइम में ना लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इधर की साइड में लाइन नहीं थी क्योंकि भगवान का मंदिर उस साइड से था, इधर एग्जिट की तरफ था, तो इसीलिए मैंने इधर की साइड से ही सारे वीडियो लिए। बहुत ज्यादा सुंदर है, मैं तो यही बोलूंगी एक बार जरूर जाना। ये साउथ की पूरा थीम इसका ना साउथ के ऊपर है, यहाँ पे साउथ की साड़ियां भी मिल रही थी। सच में इतना दिल कर रहा था ना कि साउथ की एक बार जाऊंगी ना, पूरा गजरा वजरा लगा के मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं भी काश साउथ वाली साड़ी पहन के आती, गजरा लगाती। फिर यहाँ पे दही हांडी का प्रोग्राम हो रहा था और यहाँ पे ये जो छोटे से कान्हा जी है ना, इनकी इसकी दादी बैठी हुई थी और उनके पास बेटी थी छोटी कान्हा, तो हम उसके साथ वीडियोस क्लिक करा रहे थे। तो उसके फादर बोलते हैं, ये इसके फादर जो श्वेता के आगे खड़े हैं ना, ये इस बच्चे के फादर हैं, तो बोलते हैं कि इसके साथ क्लिक करा लो फोटोज़ वीडियोज़। तो हमने इनके साथ में बच्चे के साथ में फ़ोटोज़ क्लिक कराई, बहुत ही प्यारा और क्यूट था यार जो कृष्णा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
और गाइज इस मंदिर का एड्रेस आपको बता देती हूँ, तो ये मंदिर साउथ में नहीं है गाइज, ये दिल्ली में ही है, दिल्ली मयूर विहार फेस 3 में ये मंदिर है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर है, एक बार तो इस मंदिर में ज़रूर जाना मेरे कहने से, इतना सुकून मिलता है यार इस मंदिर में जाने के बाद ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर साउथ के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रॉपर गजरा लगा के, साउथ की साड़ी, और पता है जो जेंट्स होते हैं वो साउथ वाली धोती पहन के प्रॉपर साउथ वाला लुक रखे। काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों ने दही हांडी प्रोग्राम, तो हम लोग नहीं देख पाए थे क्योंकि हमें जाके बनाना था खाना, क्योंकि व्रत था और व्रत को भी खुलना था, तो इसलिए हम लोग निकल गए बिना दही हांडी प्रोग्राम देखे हुए। उसके बाद मैं और नेहा निकल गए घर के लिए चेंज करके, तो फाइनली हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। और गाइस जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, तो आगे मैं आप सबको दिखाती हूँ, जैसे ही हम लोग निकले ना, एक और मंदिर था हमारे घर के पास में ही, और वो इतना सुंदर सजा हुआ था बहुत ज़्यादा, और पता है वहाँ पे तो पानी पाइप से पानी डाल रहे थे जो श्रद्धालु आए हुए थे ना उनके ऊपर, और सारे श्रद्धालु डांस कर रहे थे, वो मैंने साउंड बंद कर दिया गाइज, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने बज रहे थे भगवान श्री कृष्ण के, और सब लोग झूम रहे थे गानों में, और सब लोग पानी से उनको नहला रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फाइनली हम लोग जा रहे हैं रिक्शा लेने के लिए, तो बाय बाय गाइज, आई होप आप लोगों ने मेरा व्लॉग जैसे मैंने इन्जॉय किया आपने भी ज़रूर किया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन इस मंदिर में जाने वाला है, बहुत ज्यादा प्यारा मंदिर है गाइस। फाइनली हमने चांद देखा एग्जैक्ट 12 बजे, किस किस को 12 बजे चांद दिखाई दिया? सो हमें तो चांद एग्जैक्ट 12 बजे दिख गया, एक्चुअली मुझे उम्मीद नहीं थी सच बताऊं तो, मैं देख ही नहीं रही थी कि चांद निकलेगा भी कि नहीं, मुझे जरा सी भी मतलब 1% भी नहीं लग रहा था कि चांद आज दिखने वाला है, क्योंकि बारिश की बूंदें आ रही थी, तो मैंने कहा चांद तो आज दिखेगा ही नहीं, 12 मतलब 12:30 तक वेट करेंगे और फिर अपना व्रत खोल कर सो जाएंगे, बट देखो चांद दिखाई